धरती माँ के सीने पर यह धधकती आग धरती माँ को झुलसा कर रख देती है। हमारे किसान इन बातों से बेखबर कि इस तरह से धरती माँ के सीने पर आग लगाने से, खेतों में आग लगाने से हमारा क्या नुकसान हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है, हम कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं इस तरह के कार्य करके। लोग बेतहाशा बेखबर होकर बिना सोचे समझे खेतों में बचे हुए डंठल और पुआल में आग लगाकर उसे जला देते हैं। हार्वेस्टिंग के बाद लोग खेतों में बचे गेहूं के डंठल और धान के पुआल को इस कदर आग लगा के जला देते हैं और उसके ऊपर से वो एक गलत फहमी पाले बैठे हैं कि ये फ़ायदेमंद होता है। लेकिन दोस्त, चलिए हम आज इसके बारे में जानेंगे कि ये कितना नुकसानदायक हो सकता है हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे खेतों के लिए, हमारे खेतों की उर्वरक शक्ति के लिए ये कितना नुकसानदायक हो सकता है। आज हम इस बात को विस्तार से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज खेतों में मैं आया हूँ और अभी दातुन कर रहा हूँ। खेतों में आने के बाद खेतों को देखकर मुझे लगा कि आप लोगों को कुछ बताना चाहिए। इससे पहले मैंने जो आपको वीडियो दिखाया खेतों में लगे हुए आग को, तो ये खेतों में हर साल आग लगाई जाती है इस सीजन में, और पता नहीं गांव के लोगों को कहां से गलत फहमी हो गई है कि खेतों में आग लगाने से खेतों में फसल अच्छा होता है, जबकि ठीक इसके उल्टा होता है। नेशनल ट्रिब्यूनल्स ने आदेश जारी किया है कि खेतों में आग लगाना गैर कानूनी है, कानूनन अपराध है, उसके लिए जुर्माना किया जा सकता है, फिर भी किसान नहीं मान रहे हैं। दरअसल होता क्या है कि खेतों में आग लगाने से, गेहूं के डंठल को जलाने से या धान के जो पुआल होता है उसको जलाने से मिट्टी की उर्वरक शक्ति कमजोर पड़ जाती है और अगली फसल और कमजोर होती है और ज्यादा खाद देने की जरूरत पड़ती है। मिट्टी में जितने भी जीवाणु होते हैं वो आग लगाने की वजह से मर जाते हैं और उसकी वजह से मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है वो कमजोर पड़ जाती है। लेकिन यहाँ के किसान, जितने भी किसान आग लगा रहे हैं अपने खेतों में, उनको ये गलत फहमी हो गई है कि खेतों में आग लगाने से फसल और अच्छा होता है, लेकिन उनको ये पता नहीं चलता है, मतलब उनको ये रियलाइज नहीं होता है कि खाद की जरूरत ज्यादा होती जा रही है तो क्यों होती जा रही है। हर साल खेतों में ज्यादा खाद डालने की जरूरत पड़ती है, क्यों पड़ती है ये लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। यही वजह है खेतों में आग लगाने की वजह से काफी सारे नुकसान होते हैं, सिर्फ खेतों के मिट्टी को ही नहीं, जबकि आसपास जितने भी पौधे हैं, पेड़ हैं, उनको भी नुकसान होता है। ये जैसे ये पेड़ देख रहे हैं आप, ये जो जली हुई पत्तियां हैं, ये और भी जली हुई थी, नए नए पत्तियां हैं इसलिए हरे हरे हो गए हैं, पूरे के पूरे पेड़ जल जाते हैं, झुलस जाते हैं, काफी सारे पेड़ सूख जाते हैं ऐसे में, लेकिन लोग इसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज उनको गेहूं की डंठल की जरूरत नहीं है, धान पुआल की जरूरत नहीं है, तो लोग खेतों में जला दे रहे हैं और ऊपर से गलत फहमी पाल के बैठे हुए हैं कि हमारी खेत की मिट्टी और उर्वरक शक्ति हो जाएगी, बढ़ जाएगी उसकी, लेकिन ठीक इसके उल्टा होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि खेतों में आग लगाना कितना नुकसानदायक हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, गांव में रहने वाले लोगों को भी नुकसान होता है इसके, आग लगाने से जो इसमें से धुआं निकलता है उसकी वजह से लोगों को दमा की बीमारी, कैंसर की बीमारी, चमड़ी के रोग हो सकते हैं और होते हैं और हो रहे हैं, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप किसान हैं और आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि खेतों में आग लगाने की बजाय जितने भी गेहूं के डंठल है या धान के पुआल है उनको खेतों में जुताई कर दिया जाए तो मिट्टी की उर्वरक शक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कुछ सबक मिली होगी, कुछ समझ में आया होगा और आगे से आप भी खेतों में आग लगाने से कतराएंगे या सोचेंगे इस बात पर, जरूर सोचिएगा। नमस्कार।